Hello student, today I am going to teach about the subject money and banking, class 12, chapter 1st and it part 6. We will study about the branch banking. First of all, we should know about the branch banking and what is this banking. From the structure point of view, the organization of commercial bank can be divided into two kind of. That is, first is a branch banking, second is a unit banking. Branch banking means that system of the banking wherein any large bank performs its banking function through its various branches spread all over the countries. It is a head office is established generally in any big town or city of the country, and it organizes, operate and control its branches situated in various part of the country. Such banking system is found in Britain, Canada, France, Germany, etc. In our country also, branch banking is prevalent. Branch banking hai kya? The branch banking ek system hai banking ka, जिस जो कि बहुत ही लार्ज बैंकिंग वर्क को परफॉर्म करती है. मतलब वो बैंक जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो, जो पूरे कंट्री में, जो एक पर्टिकुलर कंट्री में पूरी तरह से स्प्रेड हो, जो बैंक हर जगह मिले, जो हमें टाउन में भी मिले, विलेज में भी मिले, एकदम रूरल अनडेवलप एरियाज में भी वो बैंक मिल जाए, तो वो उसी बैंक को हम कहेंगे ब्रांच बैंकिंग. जिस बैंक का सिस्टम जो होगा बहुत ही लार्ज होगा और जो हर जगह अवेलेबल हो, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो, जो स्प्रेड हो ऑल ओवर द कंट्रीज. इसकी एक हेड ऑफिस होगी. इट इज़ अ हेड ऑफिस इज इस्टेब्लिश, और हेड ऑफिस उस जगह इस्टेब्लिश होगी जो एक बड़ी टाउन हो, सिटी हो, कंट्री का उस जगह. और फिर एंड इट्स ऑर्गेनाइजर ऑपरेट एंड कंट्रोल इट्स ब्रांचेस सिचुएटेड इन द वेरियस पार्ट. इसके एक ऑर्गेनाइजर होंगे जो ऑपरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे इसके सारे ब्रांचेस को इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कई सारे कंट्री के कई सारे पार्ट पर सिचुएटेड है वो कंट्रोल करेंगे. Such banking system is found in the Britain. इस तरह के banking system कहाँ मिलते हैं? ऐसे bank Britain में हमको मिलेंगे, Canada में, French में and Germany में, और मेरी country में भी इस तरह के branch banking system हैं. We can understand branch banking about this. We can understand about branch banking through this flowchart. Example SBI first head office is situated in big town, and some zonal office are situated in different places. Then after that the regional office, फिर branch, फिर उसके बाद ATM. मतलब कि head office से लेकर के एक top से लेकर के पूरा below तक हर जगह उस bank वो bank available होगा. For example SBI जो है ये हर जगह हमको अवेलेबल होता है, मिलता है. कहीं अगर हम विलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको मिल जाएगा, अगर हम किसी टाउन पर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मिलेगा, कोई बिग सिटीज़ में जा रहे हैं वहाँ पे भी. ये हर इसीलिए ज़्यादातर पर्सन की वॉन्ट होती है कि उसका एक अकाउंट SBI में ज़रूर हो, ताकि कभी भी कोई भी ट्रांसफ़र करना हो, कोई अदर पर्पस हो, तो वो कैन ईजिली डन थ्रू द SBI. बिकॉज ये बैंक जो है ये एक तरह से ब्रांच बैंकिंग सिस्टम काम करता है हमारी कंट्री में, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और ये इस ब्रांचेस की वजह से जो है इसका जो वर्क होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म स्केल में वे वर्क करता है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ब्रांच बैंकिंग. The merit of the branch banking. First is advantages of large scale business. Larger bank possess more financial resources than smaller bank. Volume of deposit and lending capacity in large bank because of the large number of their branches.
they can afford the services of the efficient, experienced and well-qualified personnel due to the availability of sufficient financial resources. It means that जो ब्रांच बैंक है वो बहुत ही लार्ज बैंक में आता है, और जब एक लार्ज लेवल पर वर्क कर रहा है तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर बैंक। जो वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट है, जितना उसमें जो होगा, जो वॉल्यूम डिपॉजिट करने वाले जो लोग होंगे और लेंडिंग कैपेसिटी जो लेने वाले, दोनों ही बहुत ही लार्ज होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ देयर ब्रांचेज। जो से भी बैंक के ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हर जगह जो बैंक मिलेगा तो वहाँ पर पीपल अपना मनी भी डिपॉजिट करेंगे और वहाँ से लोन और अमाउंट लोन जो है विड्रॉ भी करेंगे, लोन भी लेंगे, तो दे कैन अफोर्ड। और ये इस टाइप का मतलब जो बैंकिंग सिस्टम होता है जो बहुत लार्ज लेवल पर काम करता है, तो वो बहुत ही उनकी सर्विस जो होती है बहुत ही इफ़िशियंट होती है, एक्सपीरियंस होती है, और जो पर्सनल होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और उनके पास एक बहुत ही सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होता है, इसलिए वो क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और इफ़िशियंट पर्सन को अपने जॉब पर अपॉइंट करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अंडर ब्रांच बैंकिंग ब्रांचेस आर स्प्रेड इन द एंटायर कंट्रीज। सम ब्रांचेस आर मोर इफिशियंट विच आर लेसर इफिशियंट। इफिशियंट पर्सनल मे बी ट्रांसफर टू द इनएफिशियंट वाइस वर्सा। इट मीन्स दैट बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांच हो सकता हो कुछ सिटी में ऐसे हो जो बहुत ही इफेक्टिव काम ना कर रहे हो, या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हो, वहाँ पे जो वर्कर्स हो, वो इतना इफेक्टिव वर्क ना कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे लॉसेस हो रहा हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं हम उनको उस ब्रांचेस में सेंड कर देते हैं जहाँ पर वर्क जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है किसी भी उससे, तो वहाँ पर उनको सेंड कर दिया जाता है। जो इनएफिशिएंट होते हैं उनको डेवलप और प्रॉफिट वाले जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि हर चीज़ का जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइज हो सके। द थर्ड पॉइंट इज़ द डिसेंट्रलाइज्ड रिस्क। अंडर इट मींस द ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ब्रांचेस आर मोर इफ़ द लॉस आर अर्न बाई एनी ब्रांचेस इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द प्रॉफिट ऑफ द अदर बैंक। The risk is reduced to minimum due to the decentralized working of the banking of the branch banking. Decentralized कर देना मतलब कि risk को सब में distribute कर देना, decentralized करना, कोई एक person जो होगा वो अकेले इस चीज़ को bear नहीं करेगा। तो branches are more, जहाँ पर branches ज़्यादा हैं, अगर loss are earned बाई एनी ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस लॉस को अर्न कर रहा है, लॉस मिल रहा है, तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट ऑफ द अदर बैंक। जो उसका दूसरा बैंक होगा, जो उसका दूसरा ब्रांच होगा, उसके कंपेरिजन में हो सकता हो प्रॉफिट के कंपेरिजन में लॉस बहुत ही कम हो, तो जो रिस्क हो रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। एक जगह सिर्फ रिस्क है, एक जगह लॉस है, एक ब्रांच में लॉस है, तो जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर देंगे टू मिनिमम करते जाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा उसका रिस्क देंगे ताकि सब लोग कंट्रीब्यूट कर ले और वो ब्रांच डेवलप कर जाए। तो रिस्क इज रिड्यूस टू मिनिमम ड्यू टू द डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग ऑफ ब्रांच बैंकिंग। द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ फंड। अंडर इट फंड कैन बी ट्रांसफर क्विकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच एज रिक्वायर। वी नो दैट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द बैंक वी कैन ट्रांसफर वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ब्रांचेस आर अवेलेबल। जैसे यू ओपन अ अकाउंट इन SBI एंड यू हैव टू ट्रांसफर देयर अमाउंट फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, एंड देन यू विदड्रॉ द अमाउंट देन You withdraw the amount. You can withdraw only those branches, only those bank
वेयर योर अकाउंट इज ओपन, जहाँ से आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा, जो से बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा, वही उसी से ही आप उसी अकाउंट्स में उसी बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका पैसा आपने आसानी से विड्रॉ हो जाएगा, ऐसे तो विड्रॉ हो जाएगा और भी जगह से, मगर ट्रांसफ़र जो होगा फंड्स का वो इजीली हो जाएगा जिसके ब्रांचेस कई जगह। आपने SBI में अपना कहीं पैसा डिपॉजिट किया, आप दूसरे शहर गए, वहाँ पर आपको पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, तो इस तरह से वहाँ पर SBI बैंक आसानी से मिल गया और वहाँ से आप विड्रॉ कर लेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज़ अ इक्वल इंटरेस्ट रेट। देयर इज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द होल वर्किंग एरिया। वेयर द मेन रीजन ऑफ फॉर दिस इज दैट द कैपिटल कैन बी ट्रांसफर टू सच एरिया वेयर डिमांड इज मोर फ्रॉम द एरिया वेयर डिमांड इज वेयर सप्लाई इज मोर। इक्वल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी अमाउंट में, वो विड्रॉ का और डिपॉजिट का दोनों का एक ही होगा। मतलब कि जो पर्सन डिपॉजिट कर रहा है किसी भी ब्रांच में, तो उसका एक ही इंटरेस्ट होगा 6%। तो वो हर जगह 6% है, वो चाहे जिस भी ब्रांच में चला जाए। सेकेंड, अगर कोई पर्सन बोरो कर रहा है बैंक से पैसा, तो जो रेट पर वो बोरो कर रहा है एक ब्रांच से, कोई दूसरा पर्सन वही SBI बैंक में कोई दूसरे ब्रांच में गया और वहाँ से पैसा बोरो किया, तो उसके लिए भी वही रेट होगा, इंटरेस्ट रेट। तो देयर इज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द होल वर्किंग एरिया। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट कैपिटल कैन बी ट्रांसफर टू सच एरिया वेयर द डिमांड इज मोर। कैपिटल उस एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर अब सब जगह एक ही इंटरेस्ट रेट है। बाई चांस कि प्रयागराज में जो है पैसे की बहुत डिमांड की जा रही, पैसा लोग विड्रॉ बहुत कर रहे हैं, और दूसरा शहर है कानपुर, वहाँ पर मतलब मनी की इतनी डिमांड नहीं हो रही, कैपिटल की इतनी डिमांड नहीं हुई, तो उस टाइम पर जो है वो जो बनारस है या कानपुर का जो ब्रांच है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर देगा प्रयागराज के ब्रांच में। तो इट मीन्स दैट द मेन रीज़न फॉर दिस इज दैट कैपिटल कैन बी ट्रांसफर टू सच एरिया वेयर द डिमांड इज मोर फ्रॉम द एरिया वेयर सप्लाई इज मोर। उस एरिया जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ से वो उस एरिया में ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप ऑल द पॉइंट विल बी क्लियर।